18 दिसंबर 2022 को सावनी तहसील की 36 ग्राम पंचायत सरपंच और सदस्यों के लिए मतदान संपन्न हुआ था, जिसकी आज मतगणना हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक सुनील केदार समर्थित और भारतीय जनता पार्टी व निर्दलीय प्रत्याशियों में कहीं कांटों की टक्कर तो कहीं एक तरफा मुकाबला नजर आया। आज तहसील कार्यालय सावनेर के प्रांगण में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई मतगणना में प्रत्याशियों के साथ साथ उनके समर्थकों में भारी उत्साह नजर आया। वहीं उप विभागीय अधिकारी अतुल महत्रे के मार्गदर्शन में तहसीलदार और चुनाव अधिकारी प्रताप वाघमारे और उनके अधीनस्थ नायब तहसीलदार सचिन डाबेराव, विजय कोहली, वरिष्ठ लिपिक अमोल देश पांडे आदि की उपस्थिति में मतगणना संपन्न हुई। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहवर्धक है और कांग्रेस के अंत की शुरुआत ये चुनाव से अभी हो रही है। ये जरूर नहीं है, हमारे 21 सरपंच और सदस्य ज़्यादा चुन के आए हैं और उनके पास केवल 15 ग्राम पंचायत आई है। सावनी तहसील के 36 ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच पद हेतु भारतीय जनता पार्टी 21 तो वहीं कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो मामला 50-50 में सिमटता नजर आ रहा है, क्योंकि करीब 5 से 6 जगह पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनकर आने की जानकारी निकल कर आ रही है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो चुनकर आए निर्दलीय अघाड़ी के प्रत्याशी अधिकतर सुनील केदार गुट को होने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो चुनकर आने वाले प्रत्याशी किस पक्ष में अपनी रुचि दिखाते हैं वह शाम तक समझ पड़ सकता है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो संपन्न इस चुनाव में सुनील केदार गुट की आपसी गुटबाजी का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव का ट्रायल मान रही है। मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने हेतु सावनेर पुलिस उप विभागीय अधिकारी अजय चांद खेड़े के मार्गदर्शन में सावनेर थानेदार मारुति मुलुक, केलवत थानेदार अमित कुमार अतराम, खापा थानेदार अजय मानकर के साथ तीनों थाने के अधिकारी कर्मचारियों ने श्रम लिया। मैं आज चुन के आया हूँ और इसमें सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत है, इसके वजह से मैं आज चुन के आया हूँ। बहुत अच्छा, आगे का प्लान तो ऐसा है कि हम हमारे सभी ग्राम पंचायत जो ग्राम वासी हमारे सब गांव वासी गांव वालों के लिए मैं ये काम करूँगा कि जो आज तक नहीं हुआ है। ये सावनेर में ऐसा हुआ कि केदार साहब यहाँ के जो विधायक है, बहुत से गाँव ऐसे जहाँ चुनाव हुए वहाँ पे 2 गुट हमारे थे, अब 2 गुट आपस में भिड़ने के कारण उसका फायदा वहाँ पे बीजेपी में हुआ है, लेकिन जो जनाधार है वो जनाधार अभी भी केदार साहब के तरफ ही है। NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।